हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम मैग्नेटिज्म के पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अर्थात एम्पियर का परिपथीय नियम। चूंकि ऐसा देखा जाए तो ये टॉपिक प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रयोग के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न की प्रकृति को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि उसके अनुप्रयोग से उसका हल निकाल के आंसर लाया गया है करके। तो एम्पियर का जो सर्क्यूटल लॉ है वो क्या है? जब हमने BSL की बात की थी, जब बायोट सेवर्ट लॉ की हमने बात किया था, तो बायोट सेवर्ट लॉ में हमें एक बात पता चला, एक चीज के बारे में हमको जानकारी हुई कि धारा अर्थात करंट के कारण किस चीज की उत्पत्ति हो रही है? जी, मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो बायोट सेवर्ट ने क्या किया था, इस मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति का कारण ओरेस्टेड ने तो माना था कि इसको करंट को, और बायोट सेवर्ट ने उसका गणितीय निरूपण किया था, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करके उसको बताया था कि धारा प्रवाहित होने के कारण चालक के आसपास की स्थिति में कहीं ना कहीं पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितने के बराबर रहता है? म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू IdL साइन थीटा अपॉन क्या रहता है, R2। बहुत छोटा सा एक सूत्र के रूप में इस बात को बताया था। और ये जो समीकरण होता है, ये समीकरण क्या कहलाता है हमारा? बायोट सेवर्ट लॉ का इक्वेशन कहलाता है। या इसी को जब आप वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे या सदिश रूप में लिखेंगे तब ये लाप्लास इक्वेशन कहलाता है। तो एम्पियर ने क्या किया? एम्पियर ने भी सेम रिलेशनशिप बताने की बात की, मगर उसके बताने का तरीका अलग था। और अंततः यदि हम देखेंगे तो इसी के सहायता से ही हम एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ को भी क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्योंकि हम यहां पर सिद्ध नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस या उसके स्कोप से बाहर है, मगर हम इस चीज को देखेंगे कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी क्या करता है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करता है, संबंध बताने की बात करता है। तो इसलिए यह बोला कि कोई भी एक बंद परिपथ हम ले लेते हैं। बंद परिपथ का मतलब क्या है कि इस प्रकार से कोई भी हमने ऐसा बंद परिपथ लिया। अब यह बंद परिपथ है, बंद परिपथ का तात्पर्य यह है कि इसमें एक स्विच लगा है, तार लगे हुए हैं, यहां पर बैटरी सप्लाई लगा हुआ है। तो कोई भी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, यह जो बात था यह किस चीज के लिए था? यह भी बंद परिपथ के लिए है, मगर यह बंद परिपथ में क्या है, बहुत ही सूक्ष्म रूप के लिए होता था। बायोट सेवर्ट लॉ भी किसके लिए होगा? बंद परिपथ, क्योंकि जो खुला परिपथ होगा, खुला परिपथ में तो धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, है यह भी बंद परिपथ के लिए। और इस परिपथ में यह परिपथ क्या होना चाहिए, बिल्कुल अल्प होना चाहिए, अर्थात मिनिमम से मिनिमम या बहुत ही छोटा होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल यदि इसकी बात किया जाए तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। कल ही हमने देखा था बायोट सेवर्ट लॉ की कमी में कि इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं करके। तो ये जो है बायोट सेवर्ट लॉ, देखा जाए तो मूल रूप से ये आइडियल कंडीशन के लिए है, अर्थात ये आदर्श अवस्था है इस चीज की, कि आदर्शात्मक रूप में या आइडियली इस प्रकार का चीज होगा, इस चीज को इनने बताया। मगर हम इसको प्रैक्टिकली यदि प्रूफ करने की बात करेंगे तो प्रैक्टिकली ये चीज हमारे पास नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ के लिए जो करंट एलिमेंट लिया जाता है बहुत ही सूक्ष्म लिया जाता है, और बहुत ही सूक्ष्म करंट एलिमेंट ला पाना या बना पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो क्या किया गया फिर, कि जब बायोट सेवर्ट लॉ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, और जो कि विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में संबंध स्थापित कर सके। तब उसके लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आया। एम्पियर ने क्या किया, आपने सर्क्यूटल लॉ के तहत ये बोला कि इसका कथन ये था कि कोई भी बंद परिपथ में, अर्थात ये परिपथ बंद कैप बोलेंगे हम, जब धारा धनात्मक से निकलकर वापस ऋणात्मक की तरफ आता है और बीच में
कहीं भी कोई ब्रेक ना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई फ्यूज ना हो या वायर कटा ना हो, अर्थात विद्युत धारा धनात्मक से निकल के प्रवाहित होकर ऋणात्मक में जब वापस आए तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, बंद परिपथ कहलाती थी। ये जो बंद परिपथ होता है, इस बंद परिपथ में जब कभी भी धारा आई क्या होगी, प्रवाहित होगी, तो उसके कारण इस पूरे परिपथ के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा। मतलब मान लेते हैं कि यदि ये परिपथ है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, या ले लेते हैं ये परिपथ में जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, धारा आई क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब जैसे इस परिपथ में धारा आई प्रवाहित हुई यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इसके आसपास चारों ओर इस प्रकार से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसकी दिशा की बात करेंगे, दिशा बिल्कुल ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिशा है, इसका मतलब क्या हो गया, इस एरिया चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल रहे हैं, इस क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है। तो विभिन्न दूरियों पर, अलग अलग दूरी पर अलग अलग क्या मिलेंगे अपने को, चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे। थोड़ा दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा। तो जितना आप दूर जाते जाओगे वो बिल्कुल उस पॉइंट पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो एक सर्कुलर ऑर्डर पे रहेगा, एक सर्कुलर फॉर्म पे रहेगा, वृत्ति कक्ष के रूप में रहेगा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हुआ उसका इस बिंदु पर जो करंट प्रवाहित हो रहा है, इस करंट प्रवाहित के साथ, प्रवाहित हो रही धारा के साथ में क्या संबंध है, तो वो संबंध कुछ इस प्रकार से है कि यदि इसके एक छोटी सी दूरी पर, मान लेते हैं यहां से यहां तक एक छोटी सी दूरी हमने लिया, इस छोटी सी दूरी पर, छोटी सी दूरी को मैंने ले लिया कितना, dl, तो जो b रहता है ये किस पर रहता है, इकाई दूरी के लिए होता है। इसलिए b डॉट dl जो रहेगा ये किसके लिए रहेगा, dl दूरी के क्षेत्र को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अतः यदि इसको हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया b डॉट dl को, समाकलन मतलब क्या हो गया कि पूरे इस लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, b जो बात करता हूं वो यूनिट डिस्टेंस के लिए है, जब इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये इतने डिस्टेंस के लिए क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और जब इसे आप क्या कर देंगे, पूरा का पूरा समाकलित कर देंगे अर्थात इंटीग्रेट कर देंगे सर एक लूप के लिए, तो जब लूप के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, बी डॉट डी एल के रूप में मिलेगा। और ये बी डॉट डी एल है और यहाँ सर्कुलर इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर इस प्रकार से गोले का चिन्ह लगा दिया जाता है। गोले का चिन्ह का मतलब क्या है कि यहाँ हम पूरा इस बिंदु से इस बिंदु तक हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ते हुए चल रहे हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, समाकलित करना, और समाकलित करने का सामान्य तात्पर्य होता है जोड़ देना किसी को। तो बी डॉट डी एल के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया उसको, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डीएल के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया, अर्थात इसके पूरे जो लंबाई है इसके आधार पर। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुल चुंबकीय क्षेत्र जो उस दूरी से जुड़ा हुआ है वो कितने के बराबर रहता है, जो करंट प्रवाहित हो रही है इस चालक में उसके म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो इसी रिलेशनशिप को किस नाम से जाना जाता है, यही रिलेशनशिप एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता है, और ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होता है। दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं, चाहे आप बायोट सेवर्ट लॉ की बात करो, चाहे एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करो, यह भी उसी बात को बताने का प्रयास करता है, यह भी उसी बात को बताने का प्रयास करता है। अंतर सिर्फ यह है कि यह आइडियल कंडीशन के लिए होता है और यह प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए है। तो अपने को इन चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसी एम्पियर सर्किटल लॉ में यह जो सूत्र आया, इस सूत्र का उपयोग क्या क्या होगा, तो इनके जो उपयोग होते हैं, इनके उपयोग में पहला उपयोग जो रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना, इसका उपयोग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना किनके किनके कारण, पहला सोलेनोइड के कारण, दूसरा टोरॉइड के कारण, तीसरा खोखले चालक के कारण, चौथा ठोस चालक के कारण। इन टाइप की जो चीजें हैं, खोखला चालक है, ठोस चालक है, इनके कारण। तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो हमें ज्ञात करना है,
सोलेनाइड के कारण है, टोरॉइड के कारण है, खोखले चालक के कारण है, ठोस चालक के कारण है। तो सोलेनाइड और टोरॉइड के बारे में तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि सोलेनाइड जो रहता है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर रहता है, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर, और टोरॉइड के लिए भी क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होता है। हम लोगों ने कल चालक की दो विभिन्न स्थितियों के ऊपर इस बात को चर्चा किया था कि सोलेनाइड के कारण क्या होगा और टोरॉइड के कारण क्या होगा। अब ये बात आता है कि खोखला चालक यदि है तब उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर कितना होगा, ठोस चालक है तब उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर कितना होगा, हमें क्या करना है इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है खोखले चालक के लिए और दूसरा जो पॉइंट है ठोस चालक के लिए। हम इस टॉपिक पर देख रहे थे कि विभिन्न चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति क्या होगी। तो जब चालक की बात करते हैं तो चालक की दो अवस्था होती है, एक है खोखला चालक और दूसरा होता है हमारे पास ठोस चालक। खोखला जो चालक है, खोखला चालक मतलब बिल्कुल जैसे इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसको डिजाइन किया, ये जैसे हमारे पास क्या है खोखला चालक है। अब ये जो चालक जो खोखला है, मान लेते हैं कि ये चालक है, ये चालक की त्रिज्या यहां पर दे दी गई है, चालक की त्रिज्या कितनी दे दी गई है ए, और इस चालक में ये अंदर से खोखला है, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, विद्युत धारा इसके सतह से होकर जा रही है, इसके सतह से प्रवाहित हो रही है, तो इसके सतह में विद्युत धारा क्या है प्रवाहित हो रही है, चल रही है। अब हमें यह बात को ध्यान देना है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां क्या होगा। तो जब हम इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ के इस ग्राफ जैसा स्थिति हम यहां बनाएंगे ग्राफ के पॉइंट में, कि यह दूरी को बताता है और यह चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, तो हम देखते हैं कि खोखले चालक के अंदर में यह जो अंदर का जो खाली हिस्सा है, अंदर के खाली हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। और यह मैग्नेटिक फील्ड का मान शून्य कब तक रहेगा, इसके केंद्र से लेकर इसके बिल्कुल सतह तक, अर्थात केंद्र से लेकर इस सतह तक मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है वो क्या होगा, जीरो रहेगा। मगर जैसे ही हम सतह पर आएंगे, सतह पर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, अर्थात ये रेडियस ए है तो इस रेडियस ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हुआ, अधिकतम हुआ। और इस चुंबकीय क्षेत्र से, इस सतह से जैसे जैसे आप दूर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, घटते जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, खोखला चालक है तो खोखला चालक के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का मान जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, इसके सतह पर चुंबक का मान जो रहता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एवं दूरी बढ़ने पर बी का मान जो रहता है वो क्या है, घटता है। अर्थात देखते जाइए वन बाय वन, अंदर में इसके खोखले चालक के अंदर में बी का मान क्या होगा, शून्य होगा, सतह पर बी का मान क्या होता है, मैक्सिमम, दूरी बढ़ने पर बी का मान अब इसके बाद क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। मगर जब यही स्थिति किसके लिए आते हैं, हम ठोस चालक के लिए, कि जैसे यह जो हमने एक चालक लिया, यह चालक बिल्कुल इस प्रकार से है, ये इसके केंद्र है और ये केंद्र से पार होकर जाने वाली ये क्या है, एक्सिस है इसकी, ये चालक ठोस है, अंदर से पूर्ण रूप से क्या है, ये भरा हुआ है। जब ठोस चालक की बात करते हैं, इस ठोस चालक में करंट I क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान किस स्थान पर क्या होगा, तो ये जो बिल्कुल जो केंद्र है जिसको हमने क्या बोला, अक्ष कहा, तो अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है, शून्य होगा। अक्ष से सतह की ओर आगे बढ़ने पर, इसकी भी त्रिज्या a है, अब ये क्या है, अक्ष से सतह की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है, एवं सतह से दूर जाने पर, ये पहला अक्ष के लिए हो गया, दूसरा अक्ष से सतह की ओर हो गया, और तीसरा सतह से दूर जाने पर इसका मान क्या होता है, घटता है। तो जब हम इसके लिए एक छोटा सा ऐसा ग्राफ हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जीरो पॉइंट है, ये मैग्नेटिज्म है, ये
ए जो है अर्थात ये शून्य से लेकर ए तक क्या है, हम लोगों का सतह है। तो केंद्र बिंदु से या अक्ष से सतह अर्थात त्रिज्या ए तक जाने में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते जाकर इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मगर अब इस सतह से जैसे ही थोड़ा और दूर हम जाते हैं, इस प्रकार से बिंदु बढ़ाते जाते हैं, तो इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता जाता है, घटते जा रहा है। इन दोनों ग्राफ में एक ही अंतर है, जब चालक खोखला होगा तो सतह से अंदर वाली स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। देखिए ये बिल्कुल जीरो वाले लाइन पर है। मगर जब ठोस होगा तो केंद्र पे बस शून्य होगा, अर्थात अक्ष पर शून्य होगा। अक्ष से सतह जाने पर इसका मान बिल्कुल लीनियरली क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। सतह पर उसका मान अधिकतम होगा और उसके बाद जैसे जैसे सतह दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान वैसे ही घटते हुए जाता है। तो ये विभिन्न चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति को बताया है। इनके ऊपर जो क्वेश्चन है, इस खोखले चालक के लिए ACF 2017 पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ये दोनों का वैल्यू किससे निकाला गया था, ये जो भी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये एम्पियर सर्किट लॉ का एक एप्लीकेशन था, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये दो बातों के अलावा कल हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपन ने देखा कि एक धारावाही चालक को यदि आपने किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उस पर क्या होता है, कोई ना कोई विद्युत बल अप्लाई होता है। अब दो धारावाही चालक को एक दूसरे के आसपास रख दें तो भी तो बिल्कुल सेम घटना, सेम परिघटना होनी चाहिए। अर्थात ऐसा है, इस प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, देखो धारावाही चालक है तो इस धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रख देते हैं तो रखने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आरोपित बल, ये F का मान जो रहता है वो ILB sin थीटा होता है, कल हम लोगों ने देखा हुआ है। मगर अब इसी बात को हम इस तरीके से देखें कि यदि एक धारावाही चालक ये है और दूसरा धारावाही चालक ये है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों के मध्य एक दूरी है, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है हम लोगों की, डी। इस पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान I1 और इस पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, I2। सी बहुत ही छोटी सी बात है, हमने ये देखा कि यहां एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, उसमें करंट I प्रवाहित हो रही है और उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब उसमें कितना बल आरोपित होता है, वो F के बराबर है। मगर जब इस स्थिति की हम बात करते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, पहले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और इसी प्रकार दूसरे चालक के कारण भी क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस तरीके से, ये लो। अर्थात इस चालक से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस चालक से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो हम यह कह सकते हैं ना भाई कि इस धारावाही चालक के लिए यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है एवं इस धारावाही चालक के लिए यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस चालक को क्या करेगा, अपने तरफ पास खींचेगा या दूर भगाएगा, और यह चुंबकीय क्षेत्र इस चालक को क्या करेगा, अपने तरफ पास खींचेगा या दूर भगाएगा। तो दोनों चीजें हुई तो इसे क्या कहा जाता है कि दो समानांतर धारावाही चालक जब एक दूसरे के आसपास में हो तो उनमें किस प्रकार का बल आरोपित होगा, उनमें किस प्रकार के बल क्या होंगे, लगेंगे। तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे, किस प्रकार से हम बात करेंगे, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
चुंबक की जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल से आप क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। इसमें भी धारा कैसे जा रही है, ऊपर की ओर बह रही है। इस प्रकार से यदि आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर निकल रही है और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, अंदर जा रही है। जब यहाँ आप क्या करेंगे इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दूसरे चालक के लिए लगाएंगे तो भी ये क्या होगा हम लोगों का, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इस बिंदु पर देखिए, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है आपके पास, अंदर जा रहा है, और यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अर्थात इन दो, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। विपरीत है का मतलब यह है कि यदि यहाँ के जैसे ये जो पॉइंट है आपके पास, यदि हमने इसे क्या नॉर्थ पोल लिया तो यह हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। उसी प्रकार ऊपर उड़ते हुए को फिर से हमने यहां नॉर्थ लिया और अंदर जाते हुए साउथ पोल लिया तो आप देखिए कि ये दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव के पास में है। तो जब ये ऐसी स्थिति निर्मित होगी, या एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं, एक ऐसा पॉइंट लें जिस पॉइंट पर एक तरफ से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और एक तरफ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है, या इस प्रकार से यह ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है और यहां को हम देखें ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर जा रहा है। तो इस बिंदु पर आकर्षण बल जो है वो आरोपित हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह साउथ पोल वाला इस नॉर्थ पोल वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींच रहा है। तो यहां क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास, कि जब दो समानांतर धारावाही चालक हैं, दो समानांतर धारावाही चालक जब एक ही दिशा में प्रवाहित हों उसमें यदि विद्युत धारा, तो ये दोनों चालक आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जिस प्रकार का बन रहा है उसके कारण से। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, पहला दो समांतर धारावाही चालक में पहला समान दिशा में धारा प्रवाहित हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा यदि आप इसे क्या कर देंगे, विपरीत दिशा में यदि धारा प्रवाहित कराते हैं, यदि अब इसमें धारा का प्रवाह आपका किस तरीके से हो जाए, विपरीत दिशा की ओर हो जाए, अब इसमें प्रवाहित धारा का मान यदि विपरीत दिशा की ओर हो, ये इस तरीके से ये दो धारा है चालक है, धारावाही चालक, एक में ऊपर जा रहा है एक में नीचे जा रहे हैं। अब इस पर यदि आप चुंबकीय क्षेत्र ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो देखिए फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर गया। जब इसकी बात करूंगा मैं इस तरीके से, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा से बाहर निकल रहा है और इस दिशा से क्या हो रहा है, अंदर हो रहे हैं। अर्थात देखिए इस बिंदु पर इधर से भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और इधर से भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है। तो यदि ये नॉर्थ है तो ये होगा साउथ, तो पेज से बाहर आने वाले को यदि मैंने नॉर्थ लिया तो यहां भी पेज से बाहर आने वाला नॉर्थ होगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इनमें और इनमें अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, जब दो समानांतर एक ही दिशा में जाते हैं ये नॉर्थ और साउथ रहेगा तो यहां भी नॉर्थ और साउथ होगा, तो एस और एन आसपास आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मगर एक ऊपर जा रहा है और एक में नीचे आ रहे थे, ये नॉर्थ और साउथ होगा और ये इधर से नॉर्थ और साउथ होगा, तो ये दोनों साउथ और साउथ एक दूसरे के पास आ गए तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अर्थात ये धारावाही चालक इसको और ये धारावाही चालक इसको, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जब असमान दिशा इसे हम विपरीत दिशा भी कह रहे हैं, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सी इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है कि किस स्थिति में वो आकर्षित करेंगे और किस स्थिति में वो प्रतिकर्षित करेंगे। इट मीन्स
टू पैरेलल कंडक्टर को जब आप आसपास रखेंगे एंड व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन बोथ द कंडक्टर, टू कंडक्टर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट व्हेन फ्लो ऑफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब ये आकर्षित कर रहे हैं, यहां प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है वो क्या होता है, बल होता है। तो उस बल का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा, किस बल से वो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे, तो इस एफ का वैल्यू रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 इंटू I2 अपॉन क्या होता है D। और इसको F बाई L इसलिए लिखा जाता है, बल प्रति इकाई लंबाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब ये पूरा का पूरा चालक इसके इकाई लंबाई पर कितना बल लगा रहा है, इसी प्रकार ये पूरा का पूरा चालक इसके इकाई लंबाई पर कितना बल लगा रहा है, इसकी बात हो रही है यहां पर। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 / D। मतलब यह है ये चालक इसके ऊपर इतने से ही बल लगाता है और ये चालक दूसरा चालक पहले के ऊपर भी इतने से ही क्या करता है, बल लगाता है। बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो यहां हमको एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र मिला है, यह सूत्र का डेरिवेशन है बट हमें डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह जो वैल्यू मिल रहा है इस बात को ध्यान देंगे कि दो धारावाही चालक को जब एक दूसरे के पास पास रखे हैं उनके मध्य आरोपित करने वाले बल की मात्रा को हमें कम या ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो किसी भी एक चालक में धारा का मान को बढ़ा दो, या तो I1 बढ़ाइए या तो I2 बढ़ाइए या तो दोनों को बढ़ा दीजिए, पहला है पहला। और दूसरा जो चीज होता है इन दोनों के बीच की दूरी को कम कीजिए, जब दूरी कम होगा तो बल का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस टॉपिक में हम इन चीजों के बारे में ही बात कर रहे थे। अब इस पर एक छोटा सा और चीज है कि समानांतर चालक हैं तो चालक में जब आवेश प्रवाहित होगा तो धारा बनेगा, मगर यदि इस प्रकार की बात आती है स्टार बिंदु करके आप नोट कर लेंगे, दो समांतर आवेश का प्रवाह समांतर आवेश का प्रवाह अर्थात खुली खुले इसमें क्या बोला जाए, समांतर रेखा है, खुला आसमान है और उस पर दो आवेश क्या करेंगे, समानांतर यदि मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे के समानांतर कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकते। तो दो समानांतर आवेश का प्रवाह ये सीधा सीधा बात है संभव नहीं है। आवेश यदि चालक में प्रवाहित होंगे तो ये पॉसिबल है, मगर फ्रीली यदि हम बात करेंगे प्रवाहित होने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन दोनों के मध्य वो दो मतलब अर्थात ये है कि दो आवेश समानांतर कभी भी प्रवाहित हो ही नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि दो स्वतंत्र आवेश की गति दो समानांतर धाराओं के तुल्य है। यदि ये विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। अर्थात पहला जैसे मान लेते हैं कि ये आवेश Q है Q1 और ये आवेश Q2 है, Q1 इधर जा रहा है और Q2 भी इधर जा रहा है, ये चालक हैं मगर ये फ्री दिशा में हैं, एक ही दिशा में जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। आकर्षित करेंगे तो दोनों जो आवेश जो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे थे ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और यदि ये विपरीत दिशा मूवमेंट कर रहे थे तो एक दूसरे क्या करेंगे, दूर हटा देंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि दो समानांतर आवेश का प्रवाह कभी भी नहीं हो सकता। तो इस टॉपिक पर यहीं तक की बात है, अगले क्लास में हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़कर, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट हो गया, फैराडेस लॉ हो गए, इन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।